नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है पिछला वीडियो सभी लोगों ने देखा होगा और समझ में भी आया होगा, तो उसी लिस्ट में आज हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा। जो लोग आज ही वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पिछले वीडियोज़ का, उनको देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी सहयोग मिला आप लोगों का, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। और हमारा काम तो वीडियो बनाने का है, पढ़ाने का है, हम ये काम करते रहेंगे, ठीक है। सहयोग बनाना आपका काम है, इसको ज़रूर करते रहिएगा, ठीक। तो कल की बात जहाँ तक याद है मुझे, मैंने पैटर्न स्क्वायर्स आप लोगों को बताए थे कि स्क्वायर्स में पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर का बेसिक मीनिंग क्या है, ये बात भी आप सभी लोग जानते हो। स्क्वायर का बेसिक मीनिंग ये है कि आप हेडिंग डाल देता हूँ पहले, स्क्वायर्स या वर्ग। वर्ग निकालने के जो तरीके हैं उन पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वर्ग निकालने का एक सिंपल सा तरीका अगर हमने आपसे कहें, जो पैटर्न हम लोगों ने देखे उसको तो आपने देखा ही, कि वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने के लिए क्या किया जाए, तो बंदा कहता है कुछ नहीं करना है भाई, अगर 38 का आपको स्क्वायर निकालना है तो 38 के स्क्वायर का मतलब है 38 × 38, अब गुणा कर लो जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, 8 × 64 = 4 हासिल लगा 6, जैसी इच्छा हो वैसे, है ना। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग गुणा करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ हमारे और आपके आमने सामने होने का, कुछ और चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो सबसे आसान तरीका जो बहुत ही याद भी रहता है, बहुत प्रैक्टिकल भी है और मैथमेटिकल भी है, वो ये है कि अगर हम लोगों से कहा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी लोग जानते हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे अगर पूछो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है तो आदमी बहुत झटके में बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड द रीज़न इज, कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पावर्स है उनका डिसेंडिंग ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, घातांकों का अवरोही क्रम नितांत आवश्यक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए पे पावर 2 है, ए पे पावर 1 है, फिर ए पे पावर 0 है, इसलिए ये ज़्यादा सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ये ज़्यादा सही है। और ये ज़्यादा सही इसलिए भी है क्योंकि हम लोग स्क्वायर निकालने में इसका यूज़ कर सकते हैं, डुप्लेक्स मेथड है, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा कहाँ कहाँ गलती होती है इस पर गौर कीजिएगा। जैसे अगर 38 का आपको स्क्वायर निकालना, बाकी बातें हटाए तो 38 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये हिसाब ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है, इसको ए और इसको बी मान लीजिए, और उसके बाद में इसी टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab का यूज़ कीजिएगा। लेकिन कैसे करना है ध्यान रखिएगा, हम एक तरफ ए स्क्वायर लिख लें, एक तरफ बी स्क्वायर लिख लें और बीच में 2ab लिखें। तरीका देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को कैसे मैनेज करना है, तो वो मैनेजमेंट कुछ इस तरह से होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। थोड़ा सा गौर करिएगा, एक दो बार इस बात को हम लोग देख लेंगे, कुछ अलग अलग नंबर्स बदल बदल के इस चीज़ को चेक कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बनी बहुत ही स्पीड में काम होना शुरू हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की बात करें तो 8, बी की पोजीशन पे कौन है, बी की पोजीशन पे है 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है सभी लोगों को मालूम है, 64। कल मैंने 25 तक के स्क्वायर्स लिख दिए थे, मैंने ये माना था कि 10 तक के आपको याद होंगे, 11 से लेकर 25 तक मैंने लिख दिए थे, उनको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा मित्रों, अगर नहीं याद है तो भी गलत। और ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है सभी लोग जानते हो, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इस चीज़ को लिखने के बाद ध्यान रखिएगा 2ab का मतलब कितना हुआ, 8 × 3 = 24, और 24 का दुगना कर दीजिए, 2ab अगर हम लोग निकालें तो 2 की पोजीशन पे तो 2 ही रहेगा, 2 की पोजीशन पे तो 2 ही रहेगा, ए की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो ए की पोजीशन पे है हमारा 3, और बी की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, बी की पोजीशन पे है हमारा 8, तो 2 × 3 × 8, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि 8 × 3 = 24, 24 का दुगना 48, 48। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने 964 लिखा है इसमें आपको 48 जोड़ देना है, ठीक, 4 हो गया, 8 × 6 = 14 का 4 हो गया, हासिल 1 मिला, 9 × 1 = 10 = 14, तो ये आपका आंसर हो गया 1444, ठीक है। एक बार इसको जरा झटके में देखिएगा, स्पीड में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये तो हमने लिख दिया पूरा समझा समझा के एलेबरेट करके, इसको एक दो बार अगर नहीं समझ में आता तो एक दो बार रिपीट कर करके देख लीजिएगा आप लोग, है ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी कि फंक्शनिंग क्या है इसकी। अब फिर से देखिए जरा एक बार, नंबर कहिए तो चेंज कर दें, कहिए तो इसी को, चलिए इसी को देख लीजिए एक बार, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, और 2ab की पोजिशन पर जो हमको मिला 2ab, तो 3 × 8 = 24 और 24 का दुगना हो गया 48। एक नंबर छोड़ के जोड़िएगा, ठीक है, इकाई के स्थान का अंक छोड़कर इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद में आपको मिल जाता है 1444, जो कि 38 का स्क्वायर है। कोई और नंबर लेते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसी के बगल में लिख रहा हूं, देखिए
अगर मान लीजिए इसी तरह से हमने नंबर ले लिया कोई, मान लीजिए 96 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर आपको निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं, ये ए है, ये बी है, बी की पोजीशन पे जो नंबर है उसका स्क्वायर होता है 36, ए की पोजीशन पे जो नंबर है उसका स्क्वायर होता है 81, लगातार लिख लीजिए इसको, ठीक है, 81 36, और उसके बाद में क्या करना है आपको, तो 6 9 6 9 54, 6 9 54, 54, और उसका दुगना, क्योंकि भाई बीच में क्या रखना है आपको, नीचे क्या रखना है, 2ab रखना है, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर रखना है, बी स्क्वायर रखना है, बीच में क्या रखना है, 2ab रखना है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में आ जाएगा 2ab, तो 2ab को बीच में रखिए, 9 4 54 54 का दुगना होता है 108, एक नंबर छोड़कर इकाई के अंक के नीचे मत लिखिएगा इसको, दहाई के अंक के नीचे लिखिएगा, और इसके बाद इसको आप जोड़ दीजिए, जैसे ही आप जोड़ेंगे आपको पता चलेगा क्या, 6 8 3 11 1, ये हो गया 2, और 8 और 1 हो गया 9, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गई 9216, और ये स्क्वायर होगा। इसको जितनी स्पीड में कर सकते हो दोस्तों करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस आपकी रहेगी, तरीके हमारे रहेंगे, तरीके में मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भाग सकता क्योंकि मुझे समझाना होगा, हो सकता है आप में से तमाम लोगों ने चुनाव को, ऐसा नहीं कि मैंने इसको ईजाद किया है, तमाम लोग जानते भी हैं और बहुत लंबे समय से तकरीबन 10 साल से अपनी क्लास में मैं इन सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, लिखने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर किया है, उस तरीके को आप लोग समझ लें, कुछ और नंबर लेना चाहें ले सकते हैं आप लोग। हाँ, अब मैं बात करता हूँ गलती कहाँ होगी, गलती की बात अगर हम लोग सीख लेते हैं तो ये पता चल जाता है हमको कि ये गलती हमें नहीं करनी है, क्या करना है ये जितना जानना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी ये जानना है जीवन में क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है गौर करिए, हमें जो नहीं करना है वो ये है, जैसे सपोज कीजिए हमें यहाँ पर स्क्वायर निकालना होता, छोटा सा नंबर लेता हूँ फिर उसके बाद बड़े नंबर पे आऊँगा, है ना, जैसे अगर मुझे नहीं पता है कि साहब 12 का स्क्वायर 144 होता है, और हमने कहा कि हमको 2ab वाला तरीका एक पता है, डुप्लेक्स मेथड हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला मेथड लगा के हम निकाल लेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में हम इसमें आगे बढ़े, हमने कहा था 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 × 2 2 × 1 = 2 हुआ, और 2 × 2 = हो गया 4, एक नंबर छोड़ के हमको लिखना था 4, और हमने जोड़ दिया, आंसर मिल गया 54, तो क्या भैया 12 का स्क्वायर 54 होता है क्या, नहीं, यहां पर आपसे गलती होगी, और गलती ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि अगर देखिए जैसे यहां पे हमने 8 का स्क्वायर लिया ना, सिंगल नंबर 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दो डिजिट का नंबर है, इकाई दहाई जिसमें दोनों हैं, दो डिजिट के नंबर है, लेकिन यहां पर दो एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें एक सिंगल डिजिट नंबर मिल रहा है 4, इसको अकेला मत छोड़िएगा, गलती नहीं होगी आपसे, है ना, अकेला नहीं छोड़ने का मतलब क्या हुआ, अकेला ना छोड़ने का मतलब बेटा यह हुआ कि 2 का स्क्वायर जो 4 होता है इसको 0 के साथ में लिखना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 0 के साथ में लिखना, 3 का स्क्वायर 9 होता है 0 के साथ में लिखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो चलो देख लो, अब बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी, तो 2 का स्क्वायर जैसे हमने कहा ना, ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है, तो हमने कहा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के रूप में 2 के स्क्वायर के रूप में जो 4 लिखना था उसको 0 के साथ में लिखिएगा, और इसको अकेला लिखिएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अकेले लिखिएगा, इसमें 0 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर लगा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जुड़ने में तो आना नहीं है, तो यहां पर क्या हुआ 04, यहां पर क्या हुआ 01, ठीक, दो डिजिट के नंबर लिखने हैं आपको, अब क्या करना है बीच में, नीचे से क्या करना है 2ab, तो ab देखिए 2 1 = 2, और इसका दुगना हो गया 4, और जोड़ेंगे तो आपको सही वाला आंसर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144 प्राप्त होगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ इसी पे, जैसे सपोज कीजिए हमें 82 का स्क्वायर निकालना, 82 का स्क्वायर निकालना, हमने क्या किया 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, गलत हो जाएगा, क्या लिखना है हमें, 2 का स्क्वायर लिखना है 04, ठीक है, शून्य के साथ में, अकेला नंबर मत छोड़ेगा, ऐसे केवल 3 ही केस बनेंगे ना भाई, 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनको बस ध्यान दे दीजिएगा 1 2 3 वाले, जहां पर भी जैसे 81 82 83 इनमें गड़बड़ होगी, है ना, 71 72 73 गड़बड़ होगी, तो ऐसे नंबर जिसमें 71 72 73 121 122 123 इस तरह के नंबर्स में गड़बड़ होगी बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि ये गड़बड़ कैसे नहीं होगी, 2 का स्क्वायर है 4, अकेला नहीं छोड़ना है, 0 के साथ लीजिएगा, 8 का स्क्वायर सभी लोग जानते हो क्या होता है, 64 होता है, तो ये हो गया, ये वाला पोर्शन किसके मिला हमको, बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन किसकी वजह से मिला हमको, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर मिल गए, अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा 2ab का, तो ab क्या हुआ, 8 × 2 = 16, और 16 का दुगना कितना होता है 32, एक नंबर छोड़ के हमें लिखना है, और जोड़ दीजिए 4 मिल गया, 2 मिल गया, 7 मिल गया, 6 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया 6724, किसका आंसर हो गया, 82 का स्क्वायर, ठीक है,
उम्मीद है बात समझ में आती जा रही होगी। तो ये सबसे आसान बेटा मेथड होता है। इसके अलावा एक और मेथड बहुत सारे हैं लेकिन वो मेथड जो ऑन द टिप हमारे दिमाग में रुक जाए, है ना, उसमें ये ड्यूप्लेक्स मेथड है। यकीन मानिए इसमें पारंगतता अगर है तो कुछ और मेथड की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ बातचीत तो आमने सामने है तो बढ़ा लेते हैं ना। तो एक तरीका और देखिएगा, ये तरीका आपको लेके जाएगा, पहले हम लोग बात करेंगे इसमें फ्रॉम 25 टू 75 और उसके बाद करेंगे फ्रॉम 75 टू 125, है ना। अब इसमें जो जागरूक टाइप के जिज्ञासु टाइप के छात्र होंगे हमारे साथ जुड़े हुए, वो तुरंत कहेंगे कि 75 को किस में रखोगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, है ना। फ्रॉम 25 टू 75 में भी 75 है, 75 टू 125 में भी 75 है, तो 75 किस में होगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, इसकी ज़रूरत क्या है। जब कल हमने पिछले वीडियो में आपको हमने एक पैटर्न बताया कि 75 का साहब स्क्वायर फाइंड करना हो तो 5 की वजह से 25 लिखना और 7 से एक बड़े नंबर 8 से मल्टीप्लाई करके 56 लिखना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है इसको ऊपर वाले में रखोगे या नीचे वाले में रखोगे, ठीक है। बाकी आप चाहे ऊपर वाले में रखें चाहे नीचे वाले में रखें, आंसर दोनों से आपको मिलेगा, ठीक है। चक्कर दिखाऊंगा आपको। तो अभी की बात जहां तक आती है, ये सब लोगों को समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके एक दो बार देख लीजिएगा, कहां गलती होती है उसको ध्यान रखिएगा। सिंगल नंबर को जीरो के साथ में लेना है, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है ये वाला भी, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर तो बस आंख बंद कीजिएगा आपको स्क्वायर मिल जाएगा। वही मैंने आपसे कहा था ना जो कि 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 125 तक हम याद करवा देंगे और उसके आगे भी यही तरीका लगता रहता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यार। ये हम लोग ज़बरदस्ती अननेसेसरी अगर कहें तो हज़ार हज़ार तक के स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम आपके सामने रख देंगे, ठीक है। तो बेसिक नीड तो ये है कि आप 25 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, फिर कुछ तरीके आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को देखते रहेंगे। आज आज वाला सेशन जो है इसमें 25 to 75 और फ्रॉम 75 to 125 इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए मामला कहाँ तक पहुँचता है। सबसे पहले देखिए 25 to 75, यहां पर एक बेसलाइन सेलेक्ट कीजिएगा और वो मिड नंबर हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, रिसर्च नहीं करनी है, आंसर जल्दी निकालना है। 25 to 75 में बीच वाला नंबर कौन सा होता है, तो बीच का नंबर हो गया 50। अब अगर 25 से 75 का कोई नंबर हम अपने दिमाग में बैठाएं और ये सोचे कि साहब इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो वो नंबर या तो 50 से बड़ा होगा या 50 से छोटा होगा, ठीक है। और 50 ही होगा अगर, तो 50 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, सभी लोग जानते हो 50 में 25, 2 जीरो और लगा दिए। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि बेस लाइन हमने सेलेक्ट की और वो बेस लाइन क्या है, 50। अब जो भी नंबर लोगे उस नंबर के साथ में क्या करना है, आपको एक चीज बस दिमाग में रखनी होगी, छोटी सी बात, इसमें वो भी नहीं, इस वाले के लिए छोटी सी बात दिमाग में रखनी होगी, क्या 25 ± d/d² ये d है डिफरेंस फ्रॉम बेसलाइन। जो बेस लाइन आप लोग देख रहे हो ना 50 से जो नंबर हम चूज कर रहे हैं, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, उस अभीष्ट संख्या, उस रिक्वायर्ड नंबर का डिफरेंस इस 50 से कितना है, दैट इज डी। और उसको हमें 25 में या तो जोड़ना है या घटाना है और उसी डिफरेंस का स्क्वायर उसके बगल में लिख देना है। ध्यान से समझिएगा भाई, एक दो करके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सपोज कीजिए एक नंबर चूज करते हैं, मान लीजिए आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना। अभी 56 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आपने देखा कि यार ये बेस लाइन हमारी जो है वो क्या है, वो 50 है, 50 हमारी बेस लाइन है और उस बेस लाइन 50 से नंबर 6 ज़्यादा है। डिफरेंस कितना दिखाई दिया, 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 6 का स्क्वायर 36 हुआ और 25 में प्लस और माइनस दोनों लिखे हो भाई, है ना। तो अगर नंबर इस बेस लाइन 50 से बड़ा हो तो प्लस कीजिएगा, छोटा हो तो माइनस कीजिएगा, बड़ा है प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया, 25 में 6 जोड़ दिया, 25 में हमने 6 जोड़ दिया और 25 और 6 कितना हो गया, 25 और 6 31 हो गया, 3136 हमारा आंसर हो गया। और ये 3136 हमारा क्या आंसर है, 56 का एक्सक्यूज मी 56 का स्क्वायर। ये उस मोड में लगा हुआ है, लगा दीजिए,
एक मिनट भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, बढ़ू आगे। चलिए, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, 56 स्क्वायर 3136, ये बात सबको समझ में आ गई। उल्टा कर लेते हैं, जैसे अगर सपोज कीजिए यही 44 का होता, उसका स्क्वायर निकालना होता हमें, 44 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या होता, 44 हमारी बेस लाइन से 6 कम है, जैसे ही 6 ज़्यादा तो वैसे 6 कम। देखिए बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, नहीं 56 से 6 लिया, 44 है तो 4 ले लिया, नहीं बेस लाइन 50 है, इसलिए बेटा 50 से लेना है आप लोगों को, तो 44 है, अगर 44 है तो वो 50 से चूज करो ना, 50 से 44 कितना कम है, उतना ही, जितना 56 ज्यादा है उतना ही 44 कम है, कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया, 36 हो गया। देखना दोनों में कॉमनिटी है, किस चीज़ की, 36 की, क्यों, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 50 से सेम है, तो ये क्या हुआ, ये है 36 प्लस 6 की वजह से, और ये है 36 माइनस 6 की वजह से, 6 कम है, तो 44 का स्क्वायर हमने निकाला, जब देखा 6 का डिफरेंस तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, अब ये 6 कम है तो क्या करोगे, 25 में 6 कम कर दोगे, 25 में जब आप 6 कम कर दोगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, और यही आपको आंसर मिल जाएगा 1936। कुछ नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, एक बार और करके देखो, कोई और नंबर चूज करके देखो, जैसे हमने कहा कि भाई 54 का स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 है 25, 4 29, समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से जैसे आपने ये वाला देखा, उसी तरह से अगर मान लिया 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 है 50 से 4 कम, 4 का स्क्वायर फिर 16, लेकिन 4 कम है इससे, 25 माइनस 4 कितना हुआ, ऑन द टिप्स। लिख तो मैं इसलिए रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं कि आपको सोचना क्या है, बाकी आप अगर सोचने में मजबूत हैं, दिमाग में एक बार आंखें बंद करेंगे आपको स्क्वायर दिख जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इस चीज़ की भी कि बिना पेन चलाए हम इसका स्क्वायर निकाल पाएं, तो बहुत ही इत्मीनान से ये चीज़ होती चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर एक समस्या आएगी, समस्या क्या आएगी कि डिफरेंस का स्क्वायर हम देख रहे हैं ना, कि यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर हमको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस का स्क्वायर 2 अंकीय संख्या 2 डिजिट का नंबर हमें दिखाई दे रहा है, क्या ये सुविधा हमको हमेशा उपलब्ध रहेगी, क्या हमको हमेशा 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमसे कहा गया 58 का स्क्वायर, 58 हमने कहा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, फिर 2 डिजिट का नंबर मिला, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट का नंबर मिला 64, अब ये 8 ज़्यादा है तो हमने 25 में 8 जोड़ दिया, 25 और 8 कितना हो गया 33, एक्सक्यूज मी, 25 और 8 हो गया 33, तो ये हो गया आपका आंसर 3364, ठीक है। तो बड़े आराम से आप इसको कर लोगे, लेकिन जब 2 अंकीय संख्या होगी, एक अंकीय संख्या होगी तो क्या, अगर पिछली बातें याद हैं तो मैंने साफ साफ बताया, अकेला मत छोड़ना भाई, है ना, अकेला नहीं छोड़ना है किसी को भी, हमारे साथियों को भी नहीं, हमारे माँ बाप को भी नहीं, और इस संख्या को भी नहीं, अकेला नहीं छोड़ना। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 53 का स्क्वायर क्या होगा, अभी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 53 का स्क्वायर निकालने के लिए आपने बेस लाइन से डिफरेंस देखा, 3 का डिफरेंस दिखाई दे गया, 3 का डिफरेंस आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अकेला कौन, 9, अकेला नहीं छोड़ना है, 0 के साथ मिलिएगा, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। और बाकी तो ये आप जानते ही हो कि 3 ज़्यादा है, 25 और 3 कितना हो गया, 25 और 3 हो गया 28, तो 2809 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे 48 का स्क्वायर निकालना हो क्या करोगे, 8 है 2 कम, 2 का स्क्वायर होता है 4, लिखेंगे हम क्या, 04, और 2 कम है इससे 25 में 2 घटा दिया, 25 माइनस 2 हो गया 2304, 2304, समझ में आ गए होंगे बातें। ये हो गया तब जब डिफरेंस कोई सिंगल डिजिट नंबर हो, ध्यान रखना क्या करोगे, 0 के साथ मिलोगे, ये हो गया तब जब डिफरेंस कोई 2 अंकीय संख्या हो, कुछ नहीं करोगे डायरेक्ट लिखोगे। अब अगली बात कर लेते हैं, कितना टाइम हो गया इसमें वीडियो, 18 मिनट, चलिए नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं इस चीज़ को, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है, इन सारे नंबर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक दो और दिखा देता हूँ आपको, 48 इस तरह से भी देखना और 48 को इस तरह से भी देखना, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 8 चौक 32 का दुगना 64 और जोड़ने के बाद देखो क्या आया, 4 6 4 10 का 0, 6 2 12 और 1 13, 2304, वही है ना। दोनों तरह से चेक करिएगा, स्पीड बनाना आपका अपना काम है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, इतना ही, थैंक यू।